कल्याण गुणे। आज हम जानेंगे किताब या कॉपी देखकर गाने का क्या एक सही तरीका होता है। हम अक्सर देखते हैं कि भाई हम कॉपी देखकर गाते हैं, कॉपी में हमारा लिखा है। बड़ा ही कॉमन सेंस सा जवाब मैं आज आना आपको देने वाला हूँ, इसमें कोई मैं नया नहीं दूंगा जवाब। लेकिन क्या होता है, फिर भी हम ये छोटी सी मिस्टेक कर ही जाते हैं कि कोई कॉपी किताब अगर हम देख के गा रहे हैं तो कैसे गाना चाहिए, उसमें कैसे देखना चाहिए, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। कहते श्याम कल्याण गुणे, अस कहते श्याम कल्याण गुणे, अस कहते श्याम कल नि सरे मम दम गम नि सरे सरे पानी सरे मब, अस कहते श्याम कल रे मम भगम रे सनि सा, अस कहते श्याम कल्याण गुणे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ एक डायरी रख रखी भाई, इसमें से देख के मैं गा रहा हूँ। लेकिन आपने ये नोट किया हो कि ये डायरी मेरे विजन में यहाँ पड़ी है, न कि यहाँ, न कि यहाँ और ना ही यहाँ, है ना, और ना ही मैंने ऐसे हाथों में यहाँ सामने पकड़ रखी है, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ याद नहीं है तो हम कॉपी में देख के गा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कॉपी में वो चीज़ भी देखते हैं जिसका हमको हल्का सा हिंट चाहिए कि हमें बाकी तो याद है, हमने रियाज किया हुआ है, अच्छा है, उसका अभ्यास है हमारा उसका, तो हमें वो चीज़ याद तो है, मगर क्या है, एक छोटा बहुत हिंट चाहिए कि बस थोड़ा सा देख लें, एक बार तो गा लें। तो जाहिर बात है, कॉमन सा जवाब है इसका कि जो गला है, ये जो हमारी सिंगिंग पाइप है, ये है ना वॉइस जहाँ से हमारा निकलता है, साउंड पाइप जो है, ये अगर यूँ रहेगा तो हमारी आवाज़ कैसे आएगी, है ना, ये दब जाएगी, है ना। जाहिर सा है, एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने पंडित अजय चक्रवर्ती जी के वीडियो में सुना था, और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप स्ट्रॉ है उससे अगर कुछ पी रहे हैं और स्ट्रॉ का जो मोड़ है वो अगर मुड़ा हुआ है और वहाँ आपने दबा दिया है, तो पानी या कुछ भी चीज़ लिक्विड ऊपर कैसे आएगा, है ना, वहाँ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सांस लेंगे और वो ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज है। तो वो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, हमेशा गर्दन सीधा रख के गाने की आदत हमें होनी चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे भी रखेंगे तो भी ये गला खींचेगा, स्किन खींचेगी, ऐसे रखेंगे तब भी, है ना। तो गले की पोजीशन जो है वो हो सके जितनी नॉर्मली सीधी, ये नहीं कि एकदम कमर भी एकदम सीधी नहीं रखनी होती, ये नॉर्मल सीधी है, है ना। अगर मैं कहूँ बैक स्ट्रेट तो ये नहीं, है ना, और ये भी नहीं। तो कभी भी ऐसे बैठ के या ऐसे बैठ के नहीं गाना, ये नॉर्मल पोजीशन है, आप देख सकते हैं नॉर्मल इजी वे में आप बैठे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखना, गले को स्टिफ नहीं रखना, लूजन योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ के फिर गाना चाहिए। तो उसी अनुसार, उसी कॉमन सेंस के अनुसार, अगर आपकी कॉपी गोद में पड़ी है या ये हारमोनियम नहीं है तो नीचे पड़ी है, तो आप कैसे देख के गाएंगे, अगर ये नीचे होगी तो यूं गाएंगे, है ना, नि सा रे मा पा, है ना। और आप यूं देखेंगे, अगर मैं कहूँ सीधा देख के गाओ और फिर आप भूल जाओगे तो बार बार यूं देखोगे,
है ना, नीचे करके देखोगे और उसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि आपको नहीं दिखेगा। तो हो सके जितना, अगर ये साज नहीं होता और ये हारमोनियम के एकदम यहाँ इस पोजीशन पे होती वो भी नीचे, तो आपको यूं ही देख के गाना पड़ता और गर्दन अपने आप झुकती। तो पहली बात तो उतना रियाज कीजिए कि इसकी ज़रूरत ना पड़े फर्स्ट ऑफ ऑल। बट फिर भी अगर हिंट के लिए चाहिए तो ऐसी पोजीशन पर रखिए जहाँ ये दिखे, जैसे मैंने यहाँ रख रखी। बच्चों को अक्सर मैंने देखा है जब रियाज करते हैं कॉपी लेकर ऐसे बजा रहे हैं तो यहाँ रख लेते हैं, है ना, और फिर गाते हैं यूं देख के। तो क्या सेंस बना, आप ऐसे इस पोजीशन में गा तो सकोगे नहीं, है ना। कॉमन सेंस है कि इसको अगर एकदम हाथ में रख लिया ऐसे, वैसे तो आपने देखा होगा स्टूडियोज में जो स्टैंड रहता है वो ये आई पोजीशन पे ही रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इस पोजीशन पे, है ना। वो कभी भी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में नीचे कहीं नहीं रखते हैं, है ना। वो यहाँ क्यों रखते हैं, उसका एक लॉजिक है ना भैया, ये कॉमन सेंस है, ये सीधा रहना चाहिए। पर ये कॉमन सेंस हमारे बच्चे लगाते ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं क्यों, है ना। बट कोई बात नहीं है, उनको नहीं मालूम होता, हमें भी नहीं पता था, हम भी कौन सा पैदाइशी या ज्ञान लेके पैदा हुए हैं, है ना। तो हमने भी सीखा है, ये गलती हमने भी करी है। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो जो गलतियां मैंने करी हैं मैं उन गलतियों को ही आपको बताता हूं कि मैंने करी हैं, आप मत करना, है ना। इसकी मदद मैं आपसे कर देता हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं जो कुछ नया ले आता हूं मैं, ठीक है। तो ये यहां रखी है, जैसे मैंने इस पोजीशन पे रखी है, वरना अगर ये पोजीशन हो तो और बेहतर है, हम देख पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे मुश्किल आती है थोड़ा, है ना, क्योंकि हम फिर भी माइक हमारा यहाँ है और ये यहाँ देख के, तो माइक की पोजीशन पे रहती है अक्सर, है ना। तो वो खैर आपने स्टूडियोज़ में देखी होगी जो पोजीशन है, माइक इधर है तो कॉपी यहाँ रहती है एग्जैक्ट। तो उसी प्रकार से अगर माइक में नहीं गा रहे हैं, ऑडियंस के सामने गा रहे हैं, तब भी कॉपी एकदम अगर सामने रख के गाओगे तो यूँ बैठ के गाना पड़ेगा और ये तब भी जो है ब्लॉकेज हो रहा है और ऑडियंस से भी आई कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है, बट ऑफकोर्स, और एक कॉन्फिडेंस भी आपका लूजन दिख रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी जैसे मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं कैसे देखूँगा, आप उसकी टेक्निक देखिएगा बस। हल्का सा ये जो है, ये देखिए निगाहों से, है ना, निगाहों से देखना है ना, कि हल्की सी तिरछी करके और देख लिया, कनखियों से देखिए, कनखियों के ये, है ना, कि कान और आंखों के बीच की पोजीशन। तो ऐसी तिरछी निगाहों से देखना आपको आना चाहिए और तुरंत देखना आना चाहिए, आपकी ग्लैंस जिसको कहते हैं हम, कि बस एक ग्लैंस हमने लिया एक हल्का सा, है ना, ऐसे देख के गाइए, इतना रियाज कीजिए पहली बात तो। और फिर भी अगर रियाज नहीं है उतना और देख के गाना ही पड़ रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे डिस्टेंस पे रखिए कि गर्दन ना मुड़े आपकी, है ना, ये इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे हो। तो जब आप बैठे भी और ये रखना पड़े तो या तो इसको थोड़ी ऊंची पोजीशन पे रखिए ऐसे, फ्लैट अगर रखेंगे तो देखना मैं आपको मुश्किलात होगी, है ना। अगर ये भी यूं भी रखा है तो इसको यूं रखिए, कोशिश कीजिए यहाँ कुछ सपोर्ट आ जाए आपके, तब आपकी गायकी थोड़ी प्रॉपर हो पाएगी, जो गला है वो स्ट्रेट रहेगा। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात आज मैंने समझा दी है, हेल्प कर दी है आपकी। तो ऐसे ही देखते ना संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोज़ को, और ऐसी छोटी छोटी बातें, बारीक बातें जो कि हमारी आंखों से, हमारे दिमाग से मिस हो जाती हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने।